दीघा का रेलवे डैम मोगली होगा नवी मुंबई मनपा के हवाले। गणेश नाइक की मांग पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिलाया भरोसा। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज मुंबई में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक और पूर्व मेयर सागर नाइक के साथ रेल मंत्री से मिलने पहुंचे गणेश नाइक ने दीघा के ब्रिटिशकालीन मोगली डैम को नवी मुंबई मनपा को हस्तांतरित करने की मांग की। बीजेपी एमएलए ने दीघा रेलवे स्टेशन और प्रस्तावित बोनकोड़े रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य को भी गति देने के साथ अन्य मांगों का ज्ञापन दिया और मदद की अपील की। इस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सकारात्मक मदद और पहल का भरोसा दिलाया है। बता दें कि पूर्व सांसद संजीव नाइक बीते वर्ष 2004 से ही दीघा और बोनकोड़े रेलवे स्टेशनों के विकास की मांग करते आ रहे हैं। वहीं वर्ष 2018 में पूर्व विधायक संदीप नाइक ने भी रेल मंत्री से मुलाकात कर दीघा डैम के हस्तांतरण की मांग की थी। फिलहाल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह भरोसा दिलाया है उससे यह दिखने लगा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दीघा और एमआईडीसी क्षेत्र के लोगों की पानी की किल्लत का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।